आप जरूर इस बात पे ध्यान दीजिए कि नीड को जब तक ना क्रिएट करेंगे तब तक आगे मत बढ़िए। आप सोल्यूशन से शुरू मत करिए, आप प्रोडक्ट से शुरू मत करिए, क्योंकि जब तक ना नीड क्रिएट होगा तब तक उनको ये लगेगा कि हाँ ये तो महंगा है, ये घर पे लगा लूंगा, बाहर जाऊंगा क्या करूंगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्शन का सामना करना पड़ता है। तो जब भी हम किसी से मिलते हैं तो बहुत कुछ कॉमन ऑब्जेक्शन है जो लोग हमें बताते हैं, जैसे घर पे लगा लेंगे बाहर जाएंगे क्या करेंगे, हमें अच्छी हवा की आदत पड़ जाएगी, हमें इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, ऐसे कई तरीके के रेजिस्टेंस या हेजिटेशन हमें फेस करने को मिलता है, ठीक है ना। तो अब हम आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ एग्जांपल्स दिखाएंगे, कुछ एक दो मिनट के अंदर आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके जरिए आप जो नेगेटिव आदमी है, जो एयर प्योरीफायर को लेके नेगेटिव है, उसको कम से कम थोड़ा सा पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपके स्क्रीन के ऊपर आप देखिए एक गंदे नाली का फोटो है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब हम किसी गंदे नाली से गुजरते हैं, जब हम किसी गंदे नाली को पार करते हैं, तो हमारी रिएक्शन क्या होती है, हम क्या करते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही सोचा कि हाँ हम नाक में रुमाल डाल देते हैं, या हम सांसों को रोकने की कोशिश करते हैं, या तो हम सांसों के बीच में गैप को बढ़ा देते हैं। ये नॉर्मल हमारी रिएक्शन होती है। तो ये हम किस लिए करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि हमें पता है कि जब गंदे नाली से गुजरते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे जो इतनी गंदगी है, यहाँ पे बदबू है, यहाँ पे इन्फेक्शन है, तो हम नाक में रुमाल डाल के हम उस चीज को कम करने की कोशिश करते हैं, राइट? ये कम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि ये इन्फेक्शन है। अब आप ये सोचिए कि एयर प्योरीफायर भी हमारे घर पे ठीक इसी तरीके से काम करता है। आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा, उसी तरीके से आप ये समझ लीजिए कि जिस समय हम 24 घंटे में 11,000 लीटर हवा हमारे सांसों के जरिए शरीर के अंदर जाते हैं, 11,000 liters of air passes through our lungs every day, 11,000 liters. अब ये जो 11,000 liter है, हम कई अलग अलग जगहों में सांस लेते हैं, और हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम एयर प्योरीफायर को हमेशा साथ में लेके घूमें, और ना कि हमें जरूरत है। लेकिन आप एक बात बताइए, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हम सबसे ज्यादा समय रहते हैं? बेडरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम सबसे ज्यादा समय रहते हैं। मतलब आप अगर 24 घंटे का रूटीन आप देखेंगे, मतलब किसी का भी, छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग तक, बेडरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे 8 से 10 घंटे हम रहते हैं ऑन एन एवरेज, राइट? अब अगर बेडरूम में हम अपने प्योरीफायर को इस्तेमाल करते हैं, राइट, तो 8 से 10 घंटे जो हम एक बेहतर हवा में सांस लेंगे, उस वजह से क्या होगा कि 24 घंटे में, मान लीजिए आप गंदे नाली वाला एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, 24 घंटे में मान लीजिए हमें 10 सिगरेट जितना नुकसान पहुंचाता है, मतलब 11,000 लीटर हवा 24 घंटे में अगर 10 सिगरेट जितना नुकसान पहुंचाता है, बेडरूम के अंदर एयर प्योरीफायर लगा के और 8 से 9 घंटे हम साफ हवा में रहकर उस 10 सिगरेट को 5 सिगरेट में कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं मैं आपको ये कॉन्सेप्ट में समझा पाया। मेरे कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं, हमें कई तरीके के ऑब्जेक्शन का सामना करना पड़ता है कि घर पे तो लगा लेंगे, बाहर जाएंगे क्या करेंगे, अरे नहीं यार एयर प्योरीफायर कहाँ लगाएंगे, हमें अच्छी हवा की आदत पड़ जाएगी, हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, ऐसे कई तरीके से हमें ऑब्जेक्शन का सामना करना पड़ता है। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया अभी 2 मिनट के अंदर, अगर किसी को एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में लाना है, अगर किसी को एक ऐसे मोल्ड में लाना है कि हाँ अब एयर प्योरीफायर के बारे में जानेंगे सुनेंगे, तो ये एग्जाम्पल जरूर दीजिए आप। मतलब किसी से भी बातचीत की अगर शुरुआत करनी है और उनके माइंड में एयर प्योरीफायर को लेके नेगेटिविटी है, तो ये वाला एग्जाम्पल देके आप शुरुआत करिए।